आपको जो संरचना बुक है उसमें आपको आज ऋषि की मात्रा के शब्द लिखने हैं बुक में, ठीक है। बुक नहीं है तो आप कॉपी में सेम टू सेम यही लिखेंगे। कैसे पढ़ते हैं इसको, जैसे वा में ऋषि की मात्रा लगी ना, तो व्री, वृक्ष, मृग, ठीक है, गृह, ऋषि, तो ये आपको पढ़ पढ़ के लिखना है। ऋषि की मात्रा ऐसे नीचे लगती है, जो भी आपका व्यंजन हो का ना उस पर ऐसे लगती है। नेक्स्ट फिर आपका आता है, फिर पढ़ पढ़ के आपको लिखना है, कृषक पृथ्वी पर कृषि करता है, ठीक है। तो ये आप पढ़ पढ़ के अच्छी राइटिंग से लिखेंगे, अच्छे शब्द आपको बनाने हैं। फिर ये एक्सरसाइज फिल करनी है आपको। चित्र पहचान कर सही नाम पर सही का चिन्ह लगाएं। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, उनके आपको नेम आइडेंटिफाई करके उस पर टिक लगाना है। जैसे ये कौन है, नृप या नृप, कैसे लिखते हैं नृप, ऐसे, ठीक है। तो इस पर हमने सही का टिक लगाया। ये कौन है, कृषक या कृषक, तो ये क्या है, कृषक। गृहिणी या ग्रहणी, इसको बोलेंगे गृहिणी, ठीक है। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करना है। यहाँ शब्द दिए हुए हैं, मृग चर रहा है, मृग क्या चर रहा है, तृण, तृण मतलब क्या होता है, घास, ठीक है। के नीचे एक ऋषि बैठे हैं, वृक्ष, वृक्ष के नीचे ऋषि बैठे हैं। अमृत सिंह जी एक कृषक हैं। मृग के दृग बहुत सुंदर हैं, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट करना है, ऋषि ऋषि की मात्रा वाले शब्द आपको लिखने हैं, ठीक है। अगर बुक नहीं है तो आप कॉपी में भी लिख सकते हैं इसको।